आईएसपी ने अपने प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी लाने के लिए नए सिरे से जोर देने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य आईएसपी को अपने सेलेबल स्टील के कॉस्ट को कम से कम 3,500 रुपए प्रति टन कम करके सेल को सक्षम बनाना है। इस लक्ष्य के तहत कॉस्ट में कमी लाने के लिए 23 अगस्त 2019 को जनरल मैनेजर्स के लिए पहला वर्कशॉप लक्ष्य 3500 आयोजित किया गया। आईएसपी के सीईओ श्री एवी कमलाकर ने इस वर्कशॉप का इनॉग्रेशन किया। यहाँ एडी प्रोजेक्ट श्री एआर दास गुप्ता, ईडीएमएम श्री एसपी सिंह, ईडी वर्क श्री एके सिंह भी उपस्थित थे। तदुपरांत डीजीएम आईसीएचआरडी डॉक्टर सत्यजीत जेना ने लक्ष्य 3500 के बारे में जानकारी दी तथा डीजीएम एफएनडे श्री बीरेंद्र प्रसाद ने सभी पार्टिसिपेंट्स को सेल आईएसपी की फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बताया। इसके उपरांत डिपार्टमेंट वाइज सभी जनरल मैनेजर्स ने प्रति टन सेलेबल स्टील के कॉस्ट को कम करने के लिए अपनी कार्य रणनीति को प्रेजेंटेशन के माध्यम से सीईओ एवं सभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के समक्ष प्रस्तुत किया। तदुपरांत सभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने लक्ष्य 3500 को पूरा करने के लिए अपने अपने सुझाव दिए। इसके उपरांत मुख्य अतिथि श्री कमलाकर ने सभी महाप्रबंधकों के प्रयासों की सराहना की एवं वर्क्स और नॉन वर्क्स क्षेत्रों में कॉस्ट को कम करने के लिए की गई रणनीति को कार्य क्षेत्र में एग्जीक्यूट करने पर जोर दिया। उन्होंने सभी जनरल मैनेजर्स को सलाह दी कि वे डिपार्टमेंट वाइज अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ कार्य करें एवं उत्पादन कॉस्ट के बचत के आगे के क्षेत्रों की पहचान करें।